नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज का ये वीडियो निफ्टी का अपडेट वीडियो होगा। हम अब जनवरी मंथ के फाइनल वीक में आ गए हैं और फरवरी के फर्स्ट वीक से हमारा बजट आ रहा है। सो प्री बजट रैली तो हमने काफी अच्छे से प्ले कर ली है। अब चार दिन से जो करेक्शन आ रही है, इस करेक्शन में ऐसे कौन से लेवल्स है जो चार्ट पे प्राइस को नेगेटिव कर देंगे, और ऐसे कौन से लेवल है जिसके ऊपर अगर निफ्टी रुक जाती है तो कहाँ पे निफ्टी न्यूट्रल हो सकती है। फिलहाल हम जिस जोन में है, ये जोन बहुत अच्छा जोन है। यहाँ पे बस वॉच करना है और ट्रेड करना है। सो लेट्स गो टू चार्ट एंड सी कौन से लेवल के नीचे निफ्टी नेगेटिव है और कौन से लेवल के पास निफ्टी न्यूट्रल है। लास्ट वीक हमारी एनालिसिस नहीं हुई थी, बट लास्ट टू लास्ट वीक जब हमने वीडियो पोस्ट किया था तभी हमने इस हैमर का क्लियर बात की थी कि 17,600 के ऊपर जब तक हम हैं हमारा प्राइस बिहेवियर पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो हमें एक बहुत बड़ी कैंडल मिली है जो एक मोरूबुजू जैसी है, जिसने ऑलमोस्ट दो वीक की जो तेजी की मोमेंट थी उसे ख़त्म कर दिया है। हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो हम थोड़ा सा नेगेटिव है फिलहाल, बट डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद जब हमने इस लाइन को यहाँ पे प्लेस किया था उसी लाइन के पास हमारी ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुई है। ये जो क्लोजिंग है ये क्लोजिंग ठीक ठाक सी है, लेकिन अभी फिलहाल हमारी जो SGX निफ्टी बता रही है दैट इज़ शोइंग दैट कि ये 200 पॉइंट्स नीचे भी गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या सिनेरियो मिल रहा है। वैसे तो ये पूरी की पूरी प्री बजट रैली थी जिसे हमने काफ़ी यहाँ से सेकेंड टाइम, यहाँ से थर्ड टाइम, यहाँ से हमने काफ़ी अच्छा मोमेंट लिया था। एक्चुअली प्रॉब्लम जो हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। हम यहाँ पे 12th ऑफ जैन से लेके जो एक कंसोलिडेशन में थे और हमने 18th ऑफ जैन को इस कंसोलिडेशन के ऑलमोस्ट डाउन साइड पे एकदम बॉटम के पास हमने इसका क्लोजिंग दिया और नेक्स्ट डे जैसे ही खुले हमने करेक्शन स्टार्ट कर दी और इस तीन दिन के अंदर हम आकर फिर से 17,470 का लो करके हम 17,600 पे बंद हो गए। प्राइस ने थोड़ा सा मोमेंट अच्छा दिया है जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। सो नाउ लेट्स सी, अगर इस पूरे के पूरे मोमेंट को इसे अगर ख़त्म करना है तो एक सर्टन लेवल्स है जिस लेवल्स के नीचे फिर हम न्यूट्रल नहीं होंगे। एक्चुअली इस लाइन पे आने के बाद हम न्यूट्रल हो गए हैं। तो अगर हम ऐसा कोई लेवल है जो मैं आपको अभी चार्ट पे बता रहा हूँ उस लेवल के नीचे हम फिर न्यूट्रल नहीं होंगे, हम बैरिश हो जाएंगे, यानी प्राइस हमें कुछ और इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर हम होल्ड कर जाते हैं तो हम न्यूट्रल जोन में रहेंगे एंड हम रेडी रहेंगे फॉर द न्यू ट्रेडिंग। अब चलते हैं 1 आवर के चार्ट पर और देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। थी कि हम एक करेक्शन में है और आखिर में हमने इस जोन में, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इस जोन में हमने काफी टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद हम यहाँ से प्राइस बिहेवियर अपवर्ड्स करके हमने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और यहीं पे हमने इसी जोन पे हमने सपोर्ट लेकर ये ऊपर का सेकेंड मोमेंट आया था। सो नाउ लेट्स सी कि अगर हम यहाँ पे रुकने की कोशिश करते हैं, जो ये फर्स्ट लेवल था हमारा रेजिस्टेंस, ये सेकेंड लेवल और ये हमारा थर्ड लेवल, और यहीं पे हमने सपोर्ट ली थी और फ्राइडे को सेम हमें यहीं पे एक हॉल्ट मिला है। मैं इसे हॉल्ट इसके लिए कह रहा हूँ बिकॉज हम SGX निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो हम 17,400 के पास ओपन हो रहे हैं। सो हमारे पास अब पॉसिबिलिटीज क्या है? अगर पॉसिबिलिटीज की बात करूँ तो सबसे पहले तो हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, उसके बाद अगर हम ऊपर आ जाते हैं और इसी जोन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर 1 आवर या 1.5 आवर, अगर हम यहाँ पे रुक जाते हैं ऑन मंडे तो आप समझ लीजिए कि हमारी एक्सपायरी जो है, मंथली जो हमारी एक्सपायरी है वो इसी बॉक्स में हो जाएगी, 17,400 नीचे और ऊपर 17,750। यस, इसकी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीक के बाद हमारा बजट आने वाला है फरवरी फर्स्ट वीक में, तो हो सकता है कि हम इसी जोन में वेट करें। लेकिन अगर हम करेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो 17,400 के पास गैप अप ओपन होके हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और फर्स्ट 1 आवर में ही हम इस लो को कट करके हम इस जोन में आ जाएंगे।
मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट इज 17,100। ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने प्राइस जो है ऊपर गए नीचे आए, छोटे छोटे करेक्शन करके हमने यहाँ पे एक अच्छा सा बेस किया था सपोर्ट का, और यहीं से 17,000 से हमने सीधा 17,900 का हमने एक अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ये एक्चुअली में एक अच्छा मूवमेंट है जिसे मैं सोचता हूँ हम इसके नीचे नहीं आएंगे। जब तक हम 17,100 के नीचे नहीं आते हैं, हमारा व्यू और हमारा प्राइस एक न्यूट्रल जोन में रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर हम 17,100 के नीचे आ जाते हैं तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे, और इसी जोन की बात करूं तो हम 17,750 के ऊपर आ जाते हैं तो हमारा जोन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने एक्चुअली प्राइस में कितना रिट्रेस किया है। तो अभी हम जहाँ काम कर रहे हैं, दैट इज 17,600, सॉरी दैट इज 17,600। 600 के पास हमारी क्लोजिंग भी हो गई है, यानी ये जो हमने पूरा अपवर्ड मूवमेंट लिया था, जो प्री बजट रैली था, उसका हमने 38% करेक्शन कर लिया है। अब गैप डाउन अगर हम हो रहे हैं 17,400 के आसपास, तो हम 50% करेक्शन कर लेंगे। आई थिंक 50% करेक्शन इज इनफ फॉर दिस चार्ट, इनफ फॉर दिस रैली। अगर हम 61% करेक्शन कर भी लेते हैं इन एनी केसेस, हम जो गैप डाउन होते हैं ऊपर जाके, हम यहीं पे आके हम स्टॉप हो जाते हैं, और यही सी जोन में अगर हम काम भी कर लेते तो इट्स ओके, बट 17,100 के नीचे निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट वीक स्टार्टिंग में ही मुझे मंडे या ट्यूसडे को 17,100 के नीचे प्राइस मिलता है तो मैं इसमें ट्रेड बंद कर दूंगा फॉर दिस वीक, और एक नेगेटिव सिनेरियो हो जाएगा मार्केट में, जो हमें 16,800 या फिर हमें 16,500 के जोन में भी लेके जा सकता है। ऊपर में 17,750 प्लस हम पॉजिटिव है, और 17,100 डाउन हम नेगेटिव है। ओके, तो ये था हमारा चार्ट का एनालिसिस। आप अपने लेवल्स को नोट करके रखिएगा। अगर निफ्टी मंडे या ट्यूसडे को, जैसे हमारी चार्ट पे बात हुई है, अगर वैसे बिहेव करता है सो बी रेडी, हम नेगेटिव नहीं है। बट जो लेवल हमने बात की है नीचे का, अगर वो लेवल आता है तो मैं ट्रेडिंग से बाहर हूँ, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ डू नॉट ट्रेड, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अगर हमें निफ्टी के इस वीडियो के बाद किसी स्टॉक में इंटरेस्ट है, तो आज ही मैंने और भी मेरे स्टॉक के एनालिसिस के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, ये है ऑटो सेक्टर्स, भारती एयरटेल एंड रिलायंस, ये है हमारे टेलीकॉम स्टॉक्स, और एक्सिस बैंक, बैंकिंग का एक स्टॉक है एक्सिस बैंक, जिसका चार्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने सभी के वीडियोस अपलोड किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। टिल देन, लाइक एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्टे ट्यून, ट्रेड सेफ।